हीलोफाई हिंदी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आप हमारा हर वीडियो देख पाएं। हाय एवरीवन, मैं आगरी करवाल और हमारे नए यूट्यूब वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है ये है स्पेशली न्यू मॉम्स के लिए और न्यू बॉर्न बेबीज के लिए, जिनको बाहर जाकर शॉपिंग करना खूब पसंद है या फिर जो ट्रैवल खूब करते हैं। तो क्या होता है कि जब आपके पास छोटा बेबी भी है, आपको ट्रैवल भी करना है, घर से बाहर भी निकलना है, तो ऐसे में बच्चे को कैरी करना थोड़ा सा परेशान कर सकता है, क्योंकि जब आप बच्चे को गोद में कैरी करते हैं तो ना ही बच्चा कंफर्टेबल होता है, ना ही बहुत देर तक आप भी कंफर्टेबल हो सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास है आपके लिए एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट और आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो ये है मेरे पास बेबी कैरियर, ये हीलोफाई का अपना प्रोडक्ट है। हीलोफाई ने इसे खास न्यूबॉर्न बेबीज और मॉम्स के लिए बनाया है। तो ये जो बेबी कैरियर है इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। इसमें जो कुशनिंग दी गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी कुशन अच्छे से यहाँ पर दिया गया है ताकि बच्चे के लिए किसी भी तरह की परेशानी ना हो। जब आप बच्चे को इसमें बैठाएंगे, कैरी करेंगे, तो बच्चा आसानी से इसमें बैठ सकता है, सो भी सकता है बहुत ही आसानी से, क्योंकि ये इतना कुशनिंग है कि बच्चे को किसी भी तरह का हार्ड फील नहीं होता। तो मैं आपको आगे इसमें दिखाऊंगी वीडियो में कि कैसे इस बेबी कैरियर को आप पहन सकते हैं और कैसे आप बच्चे को इसमें कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं बेबी कैरियर में यहाँ पर आगे एक छोटी सी पॉकेट दी गई है। आप इसमें कुछ भी चीज़ें आप जो चाहें बच्चे से रिलेटेड यहाँ पर रख सकती हैं, या अपना वॉलेट रख सकती हैं जब आप बाहर जा रही हैं। तो अगर आप बहुत बड़ा बैग कैरी नहीं करना चाहती तो आप अपना वॉलेट भी इसमें रख सकती हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सेफ होता है, यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बेल्ट्स और ये सब दिए गए होते हैं। और ये जो है बेबी कैरियर, इसको आप अपने वेस्ट के अराउंड बांध सकते हैं ताकि जो सपोर्ट है बच्चे के लिए बहुत अच्छे से रहे और आप भी कंफर्टेबली बच्चे को कैरी कर पाए। तो इसमें कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा कि बेबी कैरियर में बच्चे को कितने टाइम तक आप कैरी कर सकते हैं। तो कई जो माएँ हैं वो घर पर भी बेबी कैरियर का इस्तेमाल कर लेती हैं, क्योंकि पूरा दिन अगेन आपको घर का काम भी करना होता है, आपके और भी कई काम होते हैं और बेबी को भी देखना होता है। तो कई लेडीज़ होती हैं, न्यू मॉम्स होती हैं, जो घर पर भी बेबी कैरियर का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल घर पर या ट्रैवलिंग के दौरान कर सकती हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आप लगातार बहुत देर तक इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बच्चे के लिए ऑब्वियसली बहुत ज्यादा देर तक अगर आप कैरी करेंगे तो आपके लिए और बच्चे के लिए दोनों के लिए टायरिंग हो सकता है। एक और जो डाउट नई मॉम्स को हो सकता है वो ये कि कौन सी एज से बच्चे को इसमें कैरी करना चाहिए। तो अधिकतर जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कहते हैं कि 3 महीने के बाद से अगर आप बच्चे को इसमें कैरी करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि 3 महीने तक क्या होता है, बच्चे की जो नेक है वो थोड़ी मजबूत हो जाती है, वरना उससे पहले वो काफ़ी सेंसिटिव रहती है, बहुत जल्दी ढुलकने लगती है। तो आप बच्चे को 3 महीने के बाद इसमें कैरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फायदों के बारे में। ऑब्वियसली अगर घर पे आपको जरूरत पड़े तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना जब आप शॉपिंग पे जा रहे हैं या ट्रैवलिंग के लिए बाहर निकल रहे हैं तो आप आसानी से इस बेबी कैरियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप बच्चे को कैरी कर सकते हैं, बच्चा इसमें सो भी सकता है और बच्चे को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हीलोफाई का ये जो बेबी कैरियर है बहुत ही अच्छी कुशनिंग के साथ आता है, ये बहुत ही सॉफ्ट है। तो जब आप बेबी को कैरी करते हैं तो भी आपके शोल्डर्स पे किसी तरह का प्रेशर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये इसमें जो कुशनिंग है वो काफी अच्छी है। इसके अलावा डैड्स के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि बहुत सारे जो डैड्स होते हैं, पापा हैं, वो बहुत ही घबराते हैं बच्चों को कैरी करने में। तो अब मॉम्स के लिए अच्छा सॉल्यूशन आ गया है, वो बेबी कैरियर का इस्तेमाल कर सकती हैं और उसमें जो डैड्स हैं वो बेबीज को बिना किसी परेशानी और बिना किसी चिंता के कैरी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप कैसे हीलोफाई बेबी कैरियर को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो शोल्डर बेल्ट दी गई है, पहले आप इनको अपने शोल्डर पर रख लें, उसके बाद आपको जो यहाँ पर ये बटन्स दिए गए हैं इसको आप टच कर लीजिए और उसके बाद ये जो आपके वेस्ट के लिए सपोर्ट के लिए बेल्ट दी गई है इसे भी आप लॉक कर दें।
अब आपका बेबी इसमें बिल्कुल सेफ है। उसके बाद आप बेबी को यहाँ पर बैठा सकती हैं और यहाँ साइड से बेबी के पैर बाहर आ जाएंगे। आप अपने और बेबी के हिसाब से इन बेल्ट को एडजस्ट कर सकती हैं। अगर आपको टाइट करना है तो आप इन्हें टाइट कर सकती हैं, आप इन्हें लूज करना चाहती हैं तो लूज कर सकती हैं। तो ये है एक स्टाइल बेबी कैरियर को लेने का जिसमें आप बेबी को रख सकती हैं। ऐसे में बेबी का जो फेस है वो आपकी तरफ फेसिंग होगा। अगर आप चाहती हैं कि आप इस तरह से नहीं बेबी को कैरी करें तो आप दूसरे तरीके से भी बेबी को कैरी कर सकती हैं। उसके लिए आपको ये जो है बेबी कैरियर इसे पीछे की तरफ से बैग के स्टाइल में पहनना होगा। इसके अलावा आप इसको स्लिंग की तरह भी पहन सकती हैं। आप बेबी को इसमें रखेंगी और आप इसको इस तरह से भी रख सकती हैं। तो आप ऐसे भी बेबी को ऐसे इसमें कैरी कर सकती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि बेबी कैरियर का आप कैसे यूज कर सकते हैं और किस एज के बच्चों के लिए इसे यूज करना चाहिए, साथ ही कैसे बेबी के जो डैडीज हैं वो भी इसमें आसानी से बेबीज को कैरी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही हीलोफाई की बेबी कैरियर को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप वहां जाकर हीलोफाई का जो बेबी कैरियर है इसे खरीद सकती हैं। और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे घंटी को दबा दें।